रविवार को अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को बांग्लादेश से करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का व्यवहार भारत के प्रति बहुत ज्यादा खराब हो गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैच के बाद जुबानी जंग और धक्का मुक्की हो गई। अब इस मामले में ICC ने दोनों टीम के खिलाड़ियों को दोषी पाया है, जिसमें से 3 खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं और 2 खिलाड़ी भारत के हैं। बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों में समीम हुसैन, राकिबुल हसन और मोहम्मद ताहिद हिरियाद हैं, और भारत के 2 खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई और आकाश सिंह, दोनों को दोषी पाया गया है। इन सभी पर लेवल 3 का चार्ज लगाया गया है। मैच के बाद कैमरे में साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों टीमों के बीच मतभेद चल रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जुबानी जंग धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। जैसा कि मैच की शुरुआत से ही देखा जा रहा था कि दोनों टीमों में कुछ तनातनी चल रही थी। खेल के दूसरे ओवर के दौरान तंजिम हसन साकिब की थ्रो पर दिव्यांश सक्सेना बाल बाल बचे। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह जानबूझकर सक्सेना के सर पर मारना चाहते हैं। इसके बाद भी कई इस तरह की चीजें देखने को मिली, जैसे कि भारतीय टीम के ऑल आउट होने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों ने लगातार अभद्र इशारे करने शुरू कर दिए थे। मैच के बाद भारत के कप्तान प्रियम गर्ग ने कहा, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का व्यवहार काफी गंदा था। खेल के बाद भारतीय कप्तान का कहना था कि हम सहज थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा है। कभी आप जीतते हैं तो कभी आप हार जाते हैं, मगर जीत के बाद और मैच के दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ियों का व्यवहार काफी गंदा रहा। मैच के दौरान भी बांग्लादेश के खिलाड़ी आक्रामकता दिखा रहे थे। हर गेंद के बाद भारतीय बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ लगातार कह रहे थे। बांग्लादेश के जीत के करीब पहुंचने के बाद भी खिलाड़ी कैमरे के सामने टिप्पणी करते नजर आए। खेल में महज खेल भावना से ज्यादा कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि खेल में हार और जीत लगी रहती है। बांग्लादेश के इस व्यवहार के कारण खामियाजा भारत के 2 खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।